हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में एक बहुत ही बेहतर जानकारी सामने आई है जो कि जीएसटी पोर्टल के संबंध में है कि जीएसटी पोर्टल पर अभी तक हम लोग देखते थे कि जो जीएसटी के नोटिस और आर्डर आते थे वो प्रॉपर जगह पर नहीं होते थे। पता नहीं होता था कि कौन सी चीज कहाँ पर मिलने वाली है। और इसी संबंध में एक हाई कोर्ट में भी मैटर गया था जिसमें उसने कहा था, एसएससी ने कहा था कि हमने वहां पर सर्च किया और हमें वहां पर व्यू एडिशनल नोटिस ऑर्डर मैंने सर्च किया, वहां पर वो चीज मुझे नहीं मिली, जिसकी वजह से मेरा केस प्रॉपर टाइमिंग पर नहीं हो पाया। तो उसी के संबंध में पोर्टल पर एक नई जानकारी आई है कि जीएसटी नोटिस और ऑर्डर अब हमें कहाँ मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि जीएसटी के नोटिस और ऑर्डर अब उन्होंने एक सीक्वेंस में जारी करने का प्रयास किया है जो उन्होंने बताया कि अब हम उन्हें कहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद हम सर्विसेज में आते हैं, और जो सर्विसेज में आते हैं तो सर्विसेज में आने के बाद यूजर सर्विसेज में आते हैं। यूजर सर्विसेज में आते हैं तो हम देखते हैं कि एक हमें व्यू नोटिस एंड ऑर्डर मिलता है और एक हमें मिलता है व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स। और इसी में आकर के हम अक्सर ऑर्डर्स को सर्च करते हैं और कई बार हमें यहाँ पर ऑर्डर नहीं मिलते हैं, उनके लिए हमें दूसरी जगह पे नेविगेट करना पड़ता है और ये भी कंफर्म नहीं कि कौन सा ऑर्डर कहाँ पर मिलने वाला है। तो उसी के संबंध में इन्होंने जानकारी दी है और यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट की। वो क्या है वो हम देखते हैं कि व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें अब आने लगी। एक तो आती है नोटिस एंड ऑर्डर्स और दूसरा आता है एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कौन सी चीज हमें किस में दिखेगी। यहाँ पर इन्होंने नोट लगाया है और नोट पर यह चीज बताई है, फॉलोइंग नोटिस अब्लिक ऑर्डर इश्यूड बाय टैक्स अथॉरिटीज आर अवेलेबल अंडर नोटिस एंड ऑर्डर। तो नोटिस एंड ऑर्डर के अंदर हमें कौन कौन सी ऑर्डर मिलने वाले हैं वो यहाँ पर इन्होंने बताया है, जैसा कि है नोटिस अब्लिक ऑर्डर अब्लिक इंटीमेशन पर्टेनिंग टू रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग न्यू रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट कैंसिलेशन रिवोकेशन एंड अदर कम्युनिकेशंस। ये चीजें हमें नोटिस एंड ऑब्लिक ऑर्डर में मिलने वाली है। और क्या मिलेगा, नोटिस इश्यूड बाय सिस्टम टू रिटर्न डिफॉल्टर्स इन फॉर्म GSTR 3A। जो रिटर्न डिफॉल्टर हैं उनके भी नोटिस और ऑर्डर यहीं पर मिलने वाले हैं। तीसरी चीज है नोटिस पर्टेनिंग टू रिटर्न मॉड्यूल कंप्रेजिंग जीएसटी DRC 01B एंड DRC 01C। तो ये इन चीजों के लिए हमें अलग अलग जगहों पर नेविगेट करना पड़ता था, तो अब नेविगेट अलग अलग जगहों पर नहीं करना पड़ेगा। इन्होंने बता दिया कि कौन सा ऑर्डर और नोटिस हमें कहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ इन्होंने बताया समरी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इश्यूड इन फॉर्म जीएसटी DRC 07 वेयर नोटिस एंड ऑर्डर प्रोसीडिंग्स वर हेल्ड ऑफलाइन। तो जो ये DRC 07 ऑफलाइन हुए होंगे वो भी आपको नोटिस ऑब्लिक ऑर्डर्स के अंतर्गत ही मिलेंगे। तो नोटिस एंड ऑर्डर के कॉलम में आपको इतनी चीजें मिलने वाली हैं। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, फॉलोइंग नोटिस ऑब्लिक ऑर्डर इश्यूड बाई टैक्स अथॉरिटीज आर अवेलेबल अंडर एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स। तो दो कॉलम इन्होंने बताए, एक बताया नोटिस एंड ऑर्डर्स और दूसरा बताया एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स, दोनों यहीं पर मिलने वाले हैं। तो नोटिस एंड ऑर्डर में क्या क्या मिलने वाला है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब मैं बताने वाला हूं कि एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स में क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको मिलेगा नोटिस ऑब्लिक ऑर्डर्स पर्टेनिंग टू मॉड्यूल्स एडवांस रूलिंग अपील असेसमेंट ऑब्लिक एडजुडिकेशन ऑडिट इन्फोर्समेंट प्रोसिक्यूशन एंड कंपाउंडिंग रिकवरी एंड LUT एक्सेट्रा। तो ये चीजें आपको एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स में मिलने वाली हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है जो रिफंड से रिलेटेड है, उसका इन्होंने बताया नोटिसेज ऑब्लिक ऑर्डर्स पर्टेनिंग टू रिफंड मॉड्यूल विल बी शोन अंडर केस डिटेल्स पेज ऑफ रेस्पेक्टिव ARN ऑफ रिफंड प्लीज नेविगेट टू सर्विस सर्विसेज यूजर सर्विसेज फिर माई एप्लीकेशन एंड सेलेक्ट ARN अंडर एप्लीकेशन टाइप एज रिफंड्स। तो जो रिफंड की एप्लीकेशन है उसके लिए आपको यहाँ पर नेविगेट करना पड़ेगा, लेकिन जो ऑर्डर्स हैं नोटिसेज हैं बाकी के लिए इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर आपको नोटिस एंड ऑर्डर में ये चीजें मिलने वाली हैं और एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर में ये चीजें मिलने वाली हैं। तो
तो आपको अब अलग अलग इसके लिए नेविगेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह पर आपको नोटिस एंड ऑर्डर और एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर मिल जाएंगे। थैंक यू।